हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अक्सर लोगों से ये सुना है कहते हुए कि हमारे मसूड़े काले हो रहे हैं। पहले हमारे मसूड़े सही थे, पिंक थे, अब धीरे धीरे करके मसूड़े डार्क होने लगे हैं, कालापन आने लगा है उनके गम्स में। तो मसूड़े काले होने का क्या रीजन हो सकता है? क्या क्या इसके ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे आपके मसूड़े काले होने लगते हैं? और अगर आपके मसूड़े काले हो रहे हैं तो इसके लिए आप क्या इलाज करवा सकते हैं, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं? तो ये सारी चीजें आज हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके मसूड़ों के काले होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है आप उसको जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तो आप सभी के साथ आज इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में सारी चीजें डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। सारे कारण, जितने भी कारण हो सकते हैं आपके मसूड़ों में कालापन आने की, उन सबको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी और साथ ही साथ इनके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मसूड़े काले क्यों होने लगते हैं, हम कारण समझते हैं कि किन किन कारण की वजह से क्या क्या ऐसे कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके गम्स ब्लैक हो सकते हैं। सबसे पहला कारण की अगर हम बात करें तो वो होता है मिलानिन। मिलानिन एक ऐसा पिगमेंट होता है बॉडी में जिससे आपके जो बालों का कलर, आपके बाल काले हैं, बालों का कलर, आपकी आंखों का कलर, आपके स्किन का कलर, अगर आपके स्किन का कलर भी डार्क है तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके मिलानिन पिगमेंट पे। अगर हमारी बॉडी में मिलानिन ज्यादा है तो इसके कारण भी आपके जो मसूड़ों का कलर होता है वो धीरे धीरे आपका डार्क रहता है, आपके मसूड़े काले होते हैं अगर आपकी बॉडी में मिलानिन ज्यादा है। तो मिलानिन पर डिपेंड करता है कि आपके मसूड़े कितने डार्क या फिर कितने लाइट कलर के होते हैं। लेकिन अगर आपके मसूड़े नेचुरली, आप देख रहे हैं कि नेचुरली आपके मसूड़े डार्क हैं, पहले से ही आपके मसूड़े डार्क हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके मसूड़े नेचुरली डार्क हैं तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही ये कोई एक प्रॉब्लम है। बस आपके जो मसूड़े हैं, आपके जो गम्स हैं, वो हेल्दी होने चाहिए। अगर डार्क नेचुरली है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर धीरे धीरे आपके पहले पिंक मसूड़े थे, अच्छे मसूड़े थे, लेकिन धीरे धीरे अगर आपके मसूड़े डार्क होते जा रहे हैं, कालापन मसूड़े में आ रहा है, तब इसके लिए आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट से अपने जो मसूड़े हैं उसको सही करवा सकते हैं, पहले की तरह मसूड़ों को, जो डार्क मसूड़े हैं उनको पिंक करवा सकते हैं। लेकिन अगर नेचुरली आपके दांत जो मसूड़े हैं, आपके दांतों के ऊपर जो मसूड़े हैं, वो नेचुरली अगर डार्क है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा कारण आपके मसूड़ों के कालेपन का हो सकता है टोबैको, स्पेशली स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग। जैसे अभी हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया है कि जो हमारे मसूड़े जो काले हो रहे हैं उसका रीजन होता है मिलानिन। मिलानिन की वजह से आपके मसूड़ों में कालापन आता है, तो टोबैको भी आपके बॉडी में मिलानिन को पड़ा। मिलानिन बनता है आपके मिलानोसाइट्स से, और टोबैको में जो निकोटीन होता है वो मिलानोसाइट्स को बढ़ावा देता है मिलानिन बनाने के लिए, प्रमोट करता है मिलानिन बनाने के लिए। तो जितना ज्यादा आप टोबैको लेते हैं, जितनी ज्यादा आप टोबैको का सेवन करते हैं, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में मिलानिन क्रिएट होता है और उसकी वजह से आपके मसूड़े डार्कन होते हैं, मसूड़ों में कालापन आता है। स्पेशली टोबैको में अगर हम देखा जाए तो स्पेशली स्मोकिंग, जितनी ज्यादा आप स्मोकिंग करते हैं उतने ज्यादा मसूड़े आपके जल्दी काले होने लगते हैं, आपके जो गम्स हैं उनमें कालापन आने लगता है, और इसे हम बोलते हैं स्मोकर्स मिलानोसिस। जो जितनी ज्यादा अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और या फिर आप टोबैको को, तंबाकू को लोग चबाते हैं, दबाकर भी रखते हैं अपने दांतों में, तो उसके कारण भी आपके मसूड़े कालापन आने लगता है, मसूड़ों में मसूड़े आपके काले दिखने लगते हैं। तो दूसरा कारण आपके मसूड़ों में कालापन आने का, आपके गम्स को में ब्लैकनेस आने का होता है टोबैको, स्पेशली स्मोकिंग। नेक्स्ट कारण हो सकता है आपके मसूड़ों के कालापन का गम इन्फेक्शन। अगर आपके मसूड़ों में किसी भी कारण इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे आपके मसूड़ों में गंदगी की वजह से इन्फेक्शन हो रहा हो, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से, आप सफाई अच्छे से मेंटेन नहीं रखते हैं, प्रॉपर ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं रख रहे हैं, गंदगी जमा हो रही है उसके कारण आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, और या फिर अगर आपके किसी पर्टिकुलर दांत में इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से भी आपके मसूड़ों तक इन्फेक्शन पहुंच रहा है, मसूड़ों में स्वेलिंग हो रही है या फिर ब्लीडिंग गम्स हैं,
खून आता है मसूड़ों से, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं कि आपके मसूड़ों में ब्लैकनेस हो रही है। इसकी वजह से भी आपके मसूड़ों का कलर चेंज होता है, ब्लैकनेस आ सकती है इन्फेक्शन की वजह से। अगर आपके दांत में इन्फेक्शन हो रहा है या फिर किसी कारण आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से आपके मसूड़ों का कलर डार्कन हो जाता है, आपके गम्स ब्लैकन हो जाते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट कारण की बात करें तो उसमें बात कही जाती है फिलिंग की। अगर आपने अपने किसी भी दांत में फिलिंग करवाई है, स्पेशली जो सिल्वर अमलगम वाली फिलिंग होती है, चांदी भरवाना जिसे हम बोलते हैं, आप आम भाषा में बोलते हैं ना, चांदी की फिलिंग करवाई है, चांदी का मसाला भरवाया है, तो अगर सिल्वर अमलगम वाली आपके दांत में फिलिंग हुई है तो उसमें अमलगम का यूज होता है। और अगर अमलगम की फिलिंग में ज्यादा अगर अमलगम का यूज हो जाए, अमलगम ज्यादा हो जाए, या फिर फिलिंग करते समय आपके चिक्स पे या फिर मसूड़ों पे अमलगम एक्सपोज हो जाए, तो पिगमेंट्स क्रिएट करता है अमलगम आपके चिक्स पे, आपके जो मसूड़े हैं उस पर, जिसे हम अमलगम टैटू बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी, अमलगम की वजह से भी आपके मसूड़ों में कालापन आ सकता है, मसूड़ों में आपके डार्कनिंग, आपके गम्स ब्लैकन हो जाते हैं, तो अमलगम भी एक कारण हो सकता है। अगर आपने अपने किसी भी दांत में, अगर आपके दांत में केरीज थी, कैविटी बनवाई, उसमें आपने फिलिंग करवाई है, मसाला भरवाया है, और अमलगम की फिलिंग करवाई है, चांदी की फिलिंग करवाई है, तो अमलगम भी एक कारण हो सकता है आपके जो मसूड़े हैं उसके कालेपन का, गम्स के ब्लैकनेस होने का। इसके अलावा एक डिजीज रहती है एडिसन्स डिजीज, जिसमें जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन के सिक्रीशन को कम कर देती है, और एड्रिनल डिजीज में भी ये प्रॉब्लम होती है आपके गम्स के ब्लैकनेस होने की, आपके मसूड़ों में कालापन आता है। इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो ज्यादा रिलीज होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होता है, और इसकी वजह से मसूड़ों में कालापन आता है, मसूड़े आपके काले होने लगते हैं, गम्स ब्लैक होने लगते हैं। देन दूसरा कारण आपका एक ये भी हो सकता है, अगर आपकी काफी लंबे समय से कोई मेडिसिन चल रही है, काफी लंबे समय से कंटिन्यूअसली आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट में भी आपके जो मसूड़े हैं वो काले हो सकते हैं। अगर आप कोई मेडिसिन काफी लंबे समय से ले रहे हैं और धीरे धीरे आपके मसूड़े काले हो रहे हैं, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं, आप अपने मेडिसिन को चेंज करवा सकते हैं, या फिर जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अगर आपके मसूड़े पहले पिंक थे, लेकिन मेडिसिन के कारण अगर धीरे धीरे आपके मसूड़े ब्लैक होने लगे हैं या डार्क होने लगे हैं, तो इसके लिए भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से आपके मसूड़ों में कालापन आने लगता है, आपके गम्स ब्लैक होने लगते हैं। अब कारण के बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट आप अकॉर्डिंगली, कारण के अकॉर्डिंगली ही करवाते हैं। किस कॉज की वजह से, किस कारण की वजह से आपके जो मसूड़े हैं उनमें कालापन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट लेते हैं। सबसे पहले अगर आपके जो मसूड़े हैं वो नेचुरली अगर डार्क हैं, अगर आपके मसूड़े पहले से ही डार्क हैं, पिंक नहीं है, डार्क कलर के हैं, तो इसके लिए आपको कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इसलिए आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आपको इलाज की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका ये नेचुरली कलर है। बस आपके जो मसूड़े हैं, आपके जो गम्स हैं, वो हेल्दी होने चाहिए, उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपके नेचुरली आपके गम्स डार्क हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़, अगर आपके मसूड़े में इन्फेक्शन है, गम इन्फेक्शन हो रहा है, गंदगी हो रही है, गंदगी जमा है, या फिर आपके दांत में इन्फेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके मसूड़े जो काला हो रहे हैं, जो मसूड़े में कालापन आ रहा है, अगर आपके मसूड़े में गंदगी जमा है, तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, गंदगी हटवा सकते हैं, उसका स्केलिंग करवा सकते हैं। अगर आपके दांत में इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से आपके मसूड़ों का कलर चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आप उस दांत का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दांतों में इन्फेक्शन किस वजह से हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। धीरे धीरे आपके मसूड़े का कलर भी धीरे धीरे चला जाता है। तीसरी चीज, अगर आपके मसूड़े का जो कालापन है उसका कारण आपके टोबैको स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो सबसे पहले आप उस कॉज को हटाएं, आप स्मोकिंग अवॉइड करें, टोबैको अवॉइड करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्मोकिंग करेंगे उतनी ज्यादा आपके मसूड़े कालेपन आएगा, मसूड़े ब्लैक होंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप टोबैको को अवॉइड करें, जितना कम हो सके आप टोबैको धीरे धीरे कम कर दें, अवॉइड करें टोटली, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें, ताकि जैसे ही आप स्मोकिंग बंद कर देते हैं, टोबैको अवॉइड करते हैं, धीरे धीरे आपके जो मसूड़े काले हो रहे हैं, धीरे धीरे वो नॉर्मल कलर में आपके पहले की तरह, जैसे आपके पहले मसूड़े थे वैसे ही आपके मसूड़े वापस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मेडिकेशंस की वजह से आपके मसूड़ों में कालापन आ रहा है,
कोई मेडिसिन्स की वजह से कालापन आपके मसूड़े में आ रहा है, तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं? उसके लिए आप अपने डॉक्टर को बताएं, जिस डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा है, आप अपने डॉक्टर को बताएं कि आपकी मेडिसिन से आपने नोटिस किया है कि धीरे धीरे आपके जो मसूड़े हैं उनका कलर चेंज हो रहा है। पहले आपके मसूड़े पिंक थे, धीरे धीरे करके ब्लैकनेस आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर जो है वो आपके मेडिसिन को चेंज करते हैं। धीरे धीरे वो भी सोल्यूशन मिल जाता है, आपके मसूड़े वापस ठीक हो जाते हैं। देन फिलिंग भी एक कारण था कि अगर आपने अपने किसी भी दांत में अमलगम की फिलिंग करवाई, अमलगम की वजह से भी आपके जो मसूड़े हैं वो काले हो जाते हैं, अमलगम टैटू जो जिसे हम बोलते हैं पिगमेंट्स बन जाते हैं, तो आप फिलिंग को चेंज करवा सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप उस दांत में अमलगम की फिलिंग को रिमूव करवा के, उस फिलिंग को हटवा के आप दांत के कलर की फिलिंग करवा लें, फिलिंग को चेंज करवाएंगे तो धीरे धीरे आपके जो मसूड़े में कालापन आ रहा है वो धीरे धीरे चला जाता है। एंड लास्टली, अगर आपका किसी डिजीज की वजह से, जैसे हमने कारण में बात की थी, एडिशनल डिजीज की वजह से भी आपके मसूड़ों में कालापन आता है, तो अगर किसी डिजीज की वजह से आपके मसूड़े काले हो रहे हैं तो उसका आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं और धीरे धीरे आपके मसूड़े सही हो जाते हैं, कालापन आपका धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये आपके मसूड़े के कालापन होने के कुछ कारण थे और उसके अकॉर्डिंग उसके ट्रीटमेंट थे कि किन किन कारण की वजह से आपके मसूड़े में कालापन आता है और उन कारण के लिए आप क्या क्या इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या ऐसा इलाज करवा सकते हैं कि आपके मसूड़े पहले की तरह वापस से पिंक हो जाए, कालापन आपके मसूड़े से दूर हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें, सारी कारण और उसके ट्रीटमेंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।